तो देख सकते हो आप लोग, मैं एक क्लास नोट को वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया हूँ, वाइट नोट में, जो कि जनरली क्लास नोट और जनरली ब्लैक स्क्रीन में होता है, जिसको मैं वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर जो आप लोग भी चाहते हो कि अपने क्लास नोट्स को ब्लैक स्क्रीन से उसके ओरिजिनल स्क्रीन से आप वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट कर दें, चाहे वो कोई सा भी एप्लीकेशन का नोट्स हो, चाहे वो PW का हो, अन अकेडमी का हो, क्लास प्लस का हो, कोई सा भी हो, आप इस वीडियो के माध्यम से आप इजली उसको उसके ओरिजिनल स्क्रीन से आप उसको वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट कर दोगे। तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो मैं आपका दोस्त गौतम और स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल और रोनाल्डो गौतम में। चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये कि आपको जोन सा भी क्लास नोट को आपको ब्लैक उसके ओरिजिनल स्क्रीन से आपको वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, वाइट नोट में। तो आपको वो क्लास नोट को आपको डाउनलोड कर लेना है, वो नोट्स को डाउनलोड करने के बाद आपको दूसरा स्टेप ये करना है कि आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ सर्च करना है विनी सॉफ्टवेयर PDF PDF कन्वर्टर, आपको ये सर्च कर देना। उसके बाद देखो सबसे ऊपर में जो आया है आपको इसी को इंस्टॉल करना है, यही PDF देख लो लोगो इसका, आपको यही कन्वर्टर को डाउनलोड कर लेना है। तो हम मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको चलते ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरह से इसका पेज खुल के आएगा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो PDF टूल्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आइकन है स्पिल्ड PDF की जगह, यहाँ पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो इन्वर्ट फाइल, आपको इन्वर्ट फाइल में चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ फाइल पे शो कर रहा है, यहाँ फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जोन सा भी नोट्स को ब्लैक उसके ओरिजिनल बैकग्राउंड से आपको वाइट बैकग्राउंड में चेंज करना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलते हैं हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। हो गया, अब देखो दिखाते हैं यहाँ पर, देखो इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब देखो जनरली अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, अभी प्रोसेस बाकी है, तो चलते आगे। तो अब इसको कट कर देना है, फिर से आपको वहीं चले जाना है PDF कन्वर्टर में, देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको PDF टू JPG में जाना है, यहाँ पे आपको PDF टू JPG में जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखो PDF टू इमेज है, यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो उन सभी अभी जो किए थे, अभी जिसको इन्वर्ट किए थे, वही लेक्चर को आपको वही डॉक्यूमेंट का आपको करना है, PDF को चूज करना है। तो अभी हम यही वाला किए थे, हम इसी को चूज कर लेते हैं। अब देखो अब कन्वर्ट टू इमेज, यहाँ पे देख रहे हो कन्वर्ट टू इमेज कर देना है। देखो यहाँ पे डाटा जैसा आपका शीट रहेगा, नोट्स में जितना रहेगा पेजेस, उसके अनुसार यहाँ पे टाइम लेगा। तो यहाँ पे टाइम लेगा तो थोड़ा वेट कर लेना, जब तक शो हो रहा है, जब तक मैं इसको रोक देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे कन्वर्टिंग कंप्लीट हो जाए। अब आपको इसको कट कर देना है, देखो अब आपको इसको सिंपली कट कर देना। अब आपको एक आपको फिर से जाना है प्ले स्टोर में, यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है एडोब स्कैन, आपको ये सर्च कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड में आई, जो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल है मेरे में। और यहाँ पे देख सकते हो आपको इस तरह से आपका पेज खुल के ओपन आएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन मांगेगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर देना साइन अप गूगल से। अब यहाँ पे देख लो इमेज का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो आपको जोन सा भी करना है, आपको इसको सीरियल वाइज चूज कर लेना है। देखो आपको जोन सा भी लेक्चर को करना है, उसको आपको इमेज को कर लेना है चूज, जो अभी आप किए हो उसको, जिसको आप JPG में कन्वर्ट। देखो यहाँ पे होगा ऑटो क्रॉप में, अगर जो आपका सेलेक्ट होगा तो आपको ऑफ कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे टिक करना आपको, देखो ये हो रहा स्कैन हो रहा। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ ग्रे स्केल यहाँ पर देख रहा होगा, आपको यहाँ पे चूज करना है, अप्लाई टू ऑल कर देना है। देखो अब टोटली वाइट में देखो कन्वर्ट हो जाएगा, देखो सारा वाइट में, सारा वाइट पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जितना भी नोट्स था, अभी जितना भी था, अभी देखो जो कि उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड से वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको इसी तरह कर लेना है, कोई सा भी एप्लीकेशन का क्लास नोट हो जाएगा सिंपली।
तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव पीडीएफ करना है। यहाँ पे टाइम लगेगा, जैसे आपका पीडीएफ रहेगा जितना नंबर ऑफ सीट रहेगा उसी तरह यहाँ पे टाइम लगेगा, आपका डाटा के अनुसार यहाँ पे टाइम लगेगा। तो थोड़ा वेट कर लेना। यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे मेरा, तो अपने अनुसार यहाँ पे वेट कर लेना। तो मैं यहाँ रोक देता हूँ वीडियो, तो देख सकते हो गया। तो आपको इस तरह से पेज खोल के आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको करना है, यहाँ पे देखो मोर का ऑप्शन है, अब यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है। अब देखो कॉपी टू डिवाइस कर लेना है। अब देखो आपका फाइनली जो है, अब यहाँ पे आपको कोई सा भी नाम रख के इसको सेव कर देना, कुछ भी रख के हम इसको सेव कर देते हैं। देखो अब फाइनली हो गया है कंप्लीट, हमारा कंप्लीट वाइट में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, अगर जो नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो इसको प्रिंट आउट करवा लो डायरेक्टली। देखो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दे रहा है डायरेक्टली। तो हो गया वीडियो कंप्लीट। देखो इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखो देखो अभी जो नाम लिखे तो वही है पीडीएफ का। देखो देख सकते हो ये हमारा वाइट पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हो, सिंपली स्टेप को फॉलो करना वीडियो स्किप किए बिना, तो आपको हो जाएगा। डैट्स ऑल, बाय बाय टाटा। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना, चैनल को शेयर करना। डैट्स ऑल, बाय बाय टाटा।